कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड कॉन्टैक्ट में दो लेंसेज को आपने कॉन्टैक्ट में रख दिया। पहली बात ये एक थिन लेंस है, मोटे मोटे लेंस नहीं है, थिन लेंस है, और इनमें कोई स्पेस नहीं है, इनमें कोई स्पेस नहीं है, लग रहा है लेकिन एक्चुअल में चिपके हुए हैं इसे, ठीक है। तो दो कन्वेक्स लेंस आपने रख दिए और ये आपका ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो एक रे सीधा प्रिंसिपल एक्सिस पे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस पे जाएगी, एक रे यहाँ जाएगी, ये इसे रिफ्रैक्ट करेगा, कन्वर्ज करेगा, और कन्वर्ज करके यहाँ पे रखेगा। तो पहले लेंस के लिए ओ ऑब्जेक्ट है और आई डैश इमेज है, पर जब आप सेकेंड लेंस रखोगे ये इसे और कन्वर्ज कर देगा, और कन्वर्ज का मतलब ये इसे आई पे ले आएगा। तो पहले लेंस के लिए ओ ऑब्जेक्ट है और आई डैश इमेज है, सेकेंड लेंस के लिए आई डैश ऑब्जेक्ट है और आई इमेज है। हमने रिफ्रैक्टिंग सर्फेस में भी ऐसा कॉन्सेप्ट किया था, क्लियर है यहाँ तक। पहले लेंस की फोकल लेंथ एफ वन है और सेकेंड की एफ टू है, तो ऐसे केस में पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की दूरी यू है और इमेज की वी डैश है, सेकेंड लेंस के लिए इमेज वी डैश और सॉरी ऑब्जेक्ट वी डैश है और इमेज वी है। तो फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू और इमेज का क्या है, वी डैश है। तो लेंस फॉर्मूला लगाया, पहले लेंस के लिए 1 बाई एफ वन इज 1 बाई वी डैश माइनस 1 बाई यू, सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वी डैश है और इमेज का डिस्टेंस वी है। तो सेकेंड लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाया, 1 बाई एफ टू इज 1 बाई वी माइनस 1 बाई वी डैश, पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर दिया, ऐड किया तो वी डैश वाली टर्म क्या हो गई, कैंसल, तो आपके पास ये आंसर आ गया। अब आप ये चाहते हो कि दो लेंस की जगह एक लेंस लगा दिया जाए जो सेम काम करे, जो दो मिलके कर रहे हैं, दो मिलके क्या कर रहे हैं, यू ऑब्जेक्ट को वी पे प्लेस कर रहे हैं। तो दो लेंस की जगह जब एक लेंस रखेंगे तो वो भी तो वही काम करेगा, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, तो इसकी जगह रिप्लेस कर दिया 1 बाई कैपिटल एफ। तो फॉर्मूला नोट कर लें कि अगर आपके पास दो कन्वेक्स लेंस है एफ वन एफ टू, दोनों आपस में प्लेस्ड हैं, चिपके हुए हैं, तो उनकी जगह जब आप एक लेंस लगाना चाहो तो उसकी कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ जो होगी उसका एफ वन एफ टू के साथ क्या रिलेशन होगा, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई एफ वन प्लस 1 बाई एफ टू। तो फॉर्मूला क्लियर है। कई बार वो क्वेश्चन देगा कि एक लेंस जो है कन्वेक्स है और दूसरा लेंस कनकेव है, तो न्यूमेरिकल के अंदर जो कन्वेक्स है उसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव पुट कर देंगे, जो कनकेव है उसमें फोकल लेंथ नेगेटिव पुट कर देंगे, न्यूमेरिकल में करेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो जो कनकेव होगा उसमें नेगेटिव प्लेस कर देंगे, जो कन्वेक्स होगा उसको पॉजिटिव प्लेस कर देंगे। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। अब ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया एक लेंस कन्वेक्स है और दूसरा कनकेव है, तो मान लो एक लेंस कन्वेक्स है, एफ वन कन्वेक्स है और एफ टू कनकेव है, हालांकि मैंने यही साइन कन्वेंशन पुट की, पर आपने न्यूमेरिकल में करनी है, आपने फॉर्मूला ये यूज करना है, ठीक है। तो अगर मान लो ऐसा हो तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ ये हो जाएगी, एलसीएम लेके ये आ जाएगा, एलसीएम लेके आ गया, एफ वन कन्वेक्स है और एफ टू कनकेव है। तो वो कह रहे हैं कि मान लो एक मिनट के लिए जो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आई वो आपके पास क्या आई, एफ वन एफ टू बाय एफ कितना था, एफ वन माइनस एफ टू की एफ टू, एफ टू माइनस एफ वन ऐसे था। तो केस नंबर वन, एक ये फॉर्मूला तब लगेगा जब एक लेंस कन्वेक्स है और दूसरा कनकेव है। तो अगर मान लो एक कन्वेक्स है और कनकेव है और दोनों की फोकल लेंथ की वैल्यू भी सेम है, तो एफ वन एफ टू सेम करेंगे तो ओवरऑल फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब रेज बिल्कुल सीधी जाएंगी, तो ये कैसे एक्ट करेगा, कॉम्बिनेशन लाइक अ प्लेन ग्लास। तो प्लेन ग्लास में क्या होता है, रेज आती है और सीधी पास हो जाती है, ये प्लेन ग्लास है। तो वैसे भी लॉजिकली देखो, एक कन्वेक्स है कनकेव है, कन्वेक्स रेज को क्या कर रहा है, कन्वर्ज, और सेम पावर से कनकेव क्या कर रहा है, डाइवर्ज। तो जितना कन्वर्ज हुआ उतना डाइवर्ज हुआ, तो रेज जैसी आई वैसी की वैसी निकल जाएंगी, दे विल कॉम्बिनेशन विल एक्ट लाइक अ प्लेन ग्लास। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है, अगर एफ वन बड़ा हुआ एफ टू से तो ओवरऑल फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन विल एक्ट लाइक कनकेव, और अगर एफ टू बड़ा हुआ एफ वन से तो ओवरऑल फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये लेंस विल एक्ट लाइक कन्वेक्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। तो 1 बाई एफ क्या होता है, 1 बाई एफ वन 1 बाई एफ टू। तो पावर की फॉर्म में अगर लिखें तो पहले लेंस की पावर पी वन है, दूसरे लेंस की पावर पी टू है, तो कॉम्बिनेशन की पावर पी है, तो पी इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू। तो पावर की फॉर्म में ये आंसर क्लियर है, ठीक है यहाँ तक। तो याद रखना, और ये डिपेंड करेगा, अगर मान लो कनकेव है, कनकेव में क्या होगा, वो पावर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है यहाँ तक। और इसमें मैंने अज्यूम किया लेंस चिपके हुए हैं, अगर लेंस में कोई सेपरेशन हो डी, मान लो दो लेंस है और उनमें डिस्टेंस है डी, तो
तो ऐसे केस में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, 1/f, 1/f1, 1/f2 माइनस d/f1, f2। पर ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला नोट कर लें। यूज वैसे वही होता है जो हमें कॉम्बिनेशन आता है, उसमें डिस्टेंस गिवन नहीं होता, पर अगर गिवन हो तो ये फॉर्मूला आपके काम आएगा। ठीक है यहाँ तक? तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड कॉन्टैक्ट।